हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं 1,50,000 के अंडर डीजे सेटअप। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर दो बेस, दो टॉप और यहाँ पर क्रॉसओवर एम्पलीफायर और यहाँ पर डीजे मिक्सर और यहाँ पर आपको केबल देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपलोड किया था वीडियो जैसा कि 2 घंटे पहले, जैसे कि आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो है वीडियो बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जैसे कि यहाँ पर मैंने जब कैलकुलेट किया तो इसका जो है 1,20,000 मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर मैंने वीडियो का फिर से एडिट किया, मैंने मतलब वीडियो का एडिट कर रहा हूँ और फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा काफ़ी अच्छे से। इस बार फाइनली यहाँ पर मिस्टेक कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा डिटेल। यहाँ पर एम्पलीफायर कितने वाट का है, कैसे चलेगा, कैसे टॉप चलेगा, टॉप आपको कैसे चलाना है, बेस आपको कैसे चलाना है, एंड यहाँ पर क्रॉसओवर भी आप देख सकते हैं। तो सारा चीज़ मैं आपको प्राइस बताऊँगा एक एक करके, और प्राइस जो है काफ़ी अच्छे से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आप भी कैलकुलेट करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो एक भाई ने कमेंट किया था तो उसके लिए थैंक यू भाई, आपने कमेंट किया। तो चलिए बात करते हैं पर आहूजा डीजे सेटअप के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आहूजा का एल एक्स है 4500 है और यहाँ पर क्रॉसओवर है एटीए प्रो के एस सी 202 इसका मॉडल नंबर है। और यहाँ पर मिक्सर आप देख सकते हैं डीजे मिक्सर, जो कि कोई भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाता है बेस SWX 1300DX, जो कि 1300 वाट का बेस है जैसे कि आपको पता है। एंड यहाँ पर टॉप है SPX 1210, जो कि न्यू मॉडल में है। यहाँ पर दो टॉप है तो यहाँ पर 1000 वाट का एक टॉप कंप्लीट बन जाता है और वहीं आपका केबल बन जाता है। तो यहाँ पर केबल पूरा टोटल प्राइसिंग यहाँ पर लगभग आपका 1,61,000 बन जाता है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर एक एक का प्राइस और डिटेल। यहाँ पर आपको LX 4500 आपका लगभग 45,000 के अप्रोक्स प्राइस में मिल जाएगा मार्केट में। ज़्यादा वीडियो का लंबा चौड़ा मैं खींचूंगा नहीं, तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं। तो यहाँ पर LX 4500 का 45,000 के आसपास आपका प्राइस जो है ऐड कर लेना आप। और यहाँ हम बात करते हैं क्रॉसओवर का, तो यहाँ पर क्रॉसओवर का प्राइस आपका पड़ जाता है लगभग 4,000 के आसपास। अगर आप दूसरे ब्रांड का लेते हैं तो प्राइस जो है ऊपर नीचे हो सकता है। वहीं हम बात करते हैं डीजे मिक्सर में, तो यहाँ पर डीजे मिक्सर आपका लगभग 10 या 15 हज़ार के अराउंड आपको मिल जाएगा। अगर आप दूसरे ब्रांड का लेते हैं तो कोई भी अच्छा ब्रांड का आप ले सकते हैं 10 हज़ार के बजट में। अगर आपका बजट कुछ ज़्यादा है तो आप 10-15 हज़ार के आसपास आप ले सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं यहाँ पर बेस के बारे में, तो यहाँ पर बेस आपका SWX 1300DX है, जो कि 650 वाट का दो स्पीकर लगा हुआ है इसमें, जैसे कि आपको पता है। यानी इसका प्राइस है दोस्तों यहाँ पर 30,000। और वहीं हम बात करते हैं टॉप में, तो यहाँ पर SPX 1210 है जिसका मॉडल नंबर है SPX 1210, जो कि 1000 वाट में RMS में यहाँ पर टॉप है कंप्लीट एक टॉप। तो यहाँ पर 1000 वाट का दो टॉप है। और वहीं हम बात करते हैं केबल, तो यहाँ पर केबल फाइनली हमारा यहाँ पर लगभग हम इसमें 1500 से 2000 के आसपास हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली हम यहाँ पर टोटल प्राइस यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा प्राइस निकल के आता है लगभग 45,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 30 प्लस 70 प्लस 2,000। टोटल को यहाँ पर अमाउंट हम ऐड करते हैं, मतलब कि प्लस करते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 1,61,000 रुपये। तो यहाँ पर 1,61,000 रुपये हमारा जो है अप्रोक्स प्राइस बन जाता है टोटल एक डुअल बेस के साथ और यहाँ पर दो टॉप एम्पलीफायर एंड क्रॉसओवर मिक्सर केबल के साथ। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर अगर आप मार्केट में लेते हैं, ये आपका प्राइस जो है 1,61,000, ये आपका कंपनी फिटेड है। अगर आप कंपनी फिटेड यहाँ पर कैबिनेट लेते हैं, बेस स्पीकर जो भी है यहाँ पर कंपनी फिटेड अगर रहता है आपका, तो यहाँ पर 1,61,000 के आसपास आपको पड़ जाएगा। और वहीं हम बात करते हैं मार्केट में, अगर आप मार्केट में लेते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग प्राइस पड़ जाता है यहाँ पर 1,45,000 अप्रोक्स प्राइस, मतलब कि 1,50,000 के अंडर। जैसे कि आपको पता है मार्केट में जो आप कैबिनेट लेते हैं तो वो आपका थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, अगर आप कंपनी फिटेड के, मतलब कंपनी फिटेड आपको महंगा मिलता है। वहीं अगर आप मार्केट में अगर आप स्पीकर अलग से परचेस करते हैं और कैबिनेट अलग से परचेस करते हैं फिर उसमें आप स्पीकर लगाते हैं, तो आपको जो है थोड़ा बहुत सस्ता पड़ जाता है। तो यहाँ पर लगभग 1,45,000 अप्रोक्स आप मान के चलिए, उतना में आपका जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर सेटअप बन जाएगा दो बेस और दो टॉप के साथ। वहीं हम बात करते हैं इसमें चलेगा कैसे और चलाना कैसे है। मिक्सर में हम यहाँ पर डायरेक्ट इनपुट करेंगे, यहाँ पर जैसे कि ऑक्स केबल से हम जैसे मोबाइल से लगाते हैं या फिर आप लैपटॉप से इनपुट कर सकते हैं साउंड, वहाँ से हम आउटपुट मतलब कि मिक्सर से आउटपुट लेंगे। यहाँ पर हम क्रॉसओवर में लगाएंगे, क्रॉसओवर से आउटपुट लेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर में जैसे कि यहाँ पर चैनल ए में मान लीजिए अगर आप बेस चला रहे हैं,
चैनल ए में आपको बेस चलाना है, चैनल टू में आपको टॉप चलाना है, मतलब कि कोई भी एक एक चैनल में एक एक सामान आपको चलाना है, मतलब कि बेस एक चैनल में और टॉप दो टॉप आपको दूसरे चैनल में चलाना है। यहाँ पर आपको कनेक्शन कैसे रहेगा, सिंपली आपका बेस जो है आप इसमें सब वूफर में लगा सकते हैं, तो यहाँ पर सब वूफर का यहाँ पर चैनल वन में लगाइए और यहाँ पर मिड हाई जो तो ये आपका यहाँ पर टॉप में लगेगा, तो यहाँ पर आपका टॉप में लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्रॉस ओवर में आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको बेस का फ्रीक्वेंसी लगभग 120 हर्ट्ज या फिर 140 हर्ट्ज के आसपास आप रख सकते हैं, एंड वहीं आप टॉप का फ्रीक्वेंसी भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं 2 किलो हर्ट्ज के आसपास आगे या फिर ऊपर नीचे भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आपको सिंपली आपको यहाँ पर कनेक्शन कर लेना है, देन वहीं आपको जो है आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से, काफ़ी आसानी से, और काफ़ी छोटे मोटे पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा आपकी साउंड जो है काफ़ी अच्छा चलेगा और काफ़ी ज़्यादा आपको साउंड भी देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं पूरा टोटल प्राइस, तो मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल में नए हैं तो इन जगह सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिएगा और कमेंट जरूर बताएगा कोई मिस्टेक हो गया हो तो वो जरूर जरूर लिखिएगा, क्योंकि एक भाई ने बताया तो मैंने वीडियो को एडिट किया, उस वीडियो का डिलीट कर दिया है सेम टू सेम, फिर मैंने इसको एडिट किया है। तो भाई के लिए कमेंट जो किए थे उनके लिए थैंक यू यार, आपने कमेंट किया, जो कि मेरे से मिस्टेक हो गया था, लगभग यहाँ पर 40,000 अप्रोक्स मैंने कम बता दिया था उस वाले वीडियो में, मतलब कि मैंने जो डिलीट कर दिया उस वीडियो में। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी ने इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।